दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के स्लम ने अमेरिका में लोगों का जीता दिल। वर्ल्ड टीवी का सबसे पॉपुलर शो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ऐसा ही एक करिश्मा कर दिखाया है मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाले 12 से 27 साल तक के 28 डांसरों का एक ग्रुप ने न सिर्फ इस शो में पार्टिसिपेट किया बल्कि उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल भी जीता। इस डांस ग्रुप ने ऐसा कर पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मुंबई के इस डांस ग्रुप ने शो में अपने डांस से न सिर्फ वहां मौजूद दर्शकों को बल्कि शो के चारों जजों को भी खड़े होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले दो हफ्ते से उन 28 डांसर में से कोई भी सही से सो नहीं पाया था और अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट उनकी जिंदगी बदल देगी। उन्होंने बताया कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के वीडियो वे यूट्यूब पर देखते थे और वीडियो देखने के बाद वे लोग सोचते थे कि क्या वो लोग यहाँ परफॉर्म कर सकेंगे। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म करना इस ग्रुप का सपना बन गया था और अब यहाँ परफॉर्म करना मतलब उनका सपना सच होना जैसा है। टाइम आर्टिकल शेयर कर मोदी पर भड़के महेश भट्ट। महेश भट्ट बॉलीवुड के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से है जो अपनी पॉलिटिकल राय को बड़ी ही सावगोई से साथ रखते हैं। वे एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि जब तक पीएम मोदी आरएसएस की विचारधारा के साथ है तब तक वे उनकी विचारधारा के साथ विरोध जारी रखेंगे क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं भारत की सेक्युलर इमेज और अनेकता में एकता वाली विविधता के लिए खतरा है। हाल ही में पीएम मोदी की शानदार जीत के बाद महेश भट्ट ने इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार राणा अयूब का एक आर्टिकल शेयर किया जो उन्होंने टाइम पत्रिका के लिए लिखा था। इस आर्टिकल का शीर्षक था वो चिन्नाव जिनके चलते करोड़ों लोग डर के साए में हैं। इस आर्टिकल में राणा ने साफ किया कि एनआरसी पॉलिसी भीड़ द्वारा गौरक्षा के नाम पर हत्या और ध्रुवीकरण की कोशिशों के चलते देश में एक बड़ा समुदाय अपने भविष्य को लेकर चिंता में है। महेश ने ट्वीट करते हुए लिखा ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। उन्होंने लिखा कि मोदी ने खतरनाक हिंदू राष्ट्रवाद के विचारों को उन्मुक्त किया है। वे दूसरे कार्यकाल में और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जल्द रिलीज होगी ऋतिक रोशन की सुपर 30। आखिरकार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 की नई रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म पहले 26 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन एकता कपूर की फिल्म मेंटल है क्या के साथ क्लैश होने के बाद मचे बवाल से इस फिल्म की रिलीज डेट पर संकट के बादल छाने लगे थे। लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट तय हो गई है। फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान करते हुए ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया है कि अब इस फिल्म को 12 जुलाई को ही रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि इस दिन एकता कपूर की ही एक और फिल्म रिलीज हो के लिए खड़ी है। इन दिनों परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म जबरिया जोड़ी की रिलीज डेट रखी गई थी लेकिन अब लगता है कि एकता कपूर अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट में शायद बदलाव कर सकेगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि एकता ऋतिक की दोस्त है। अभी एकता के फिल्म के लिए ही ऋतिक ने अपने फिल्म की रिलीज डेट सुपर 30 को हटा लिया था। ऐसे में एकता कपूर दोबारा ऋतिक की फिल्म से अपने फिल्म का टकराव बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।